और यार ऐसे व्यूज मैंने नहीं देखे लद्दाख में, मैं थर्ड टाइम आ रहा हूँ लद्दाख में, ट्रस्ट भी मैंने नहीं देखे ऐसे व्यूज यार। ये जगह जो है ना जितनी रॉ है ना उतनी ही खूबसूरत है, जहाँ ब्रेक मारो वहां पर अलग कहानी है भैया। इंडियन आर्मी से आगे जाके -30 -40 पे हमारी बॉर्डर की हमारी ही रक्षा करती है, वो भी वही इंसान है जो हम है, कहाँ से आती है इतनी हिम्मत यार। ये देखो जो हमारा होम स्टे है, गेस्ट हाउस जो है, इसके बाहर ये पूरा किचन गार्डन है, पूरी फ्रेश सब्जियां लगी हुई हैं, यहीं से निकलती हैं, यहीं से बनती हैं। और पीछे खड़ी अपनी बाइक्स एडवेंचर, उसके आगे अपनी रेड स्पीड, सामने बढ़िया पहाड़, व्यूज मज़ेदार, और यहाँ देखो आप लाल लाल सेब एकदम बड़े वाले ज़बरदस्त वाले। यहाँ जितने मोस्टली गेस्ट हाउस और होम स्टे है ना, यहाँ पर ऐसा ही है, होम गार्डन मतलब किचन गार्डन भी है और फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, खासकर सेब एप्पल। और आज पूरा वेदर जो है क्लाउडी हो रहा है और आज हम जाने वाले हैं बहुत ही ठंडी जगह पे। सो हाय गाइस, अ वेरी वार्म नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम नुब्रा वैली हुंडर। यार जब मैं लास्ट ईयर आया था ना लद्दाख में, तो मेरे माइंड में था कि मैं सियाचिन ग्लेशियर बेस पर ठोके आऊंगा, बट समहाउ टाइम मैनेज हो नहीं पाया और हम जा नहीं पाए। तो आज हम जा रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर बेस पॉइंट। आज जो मौसम है ना काफ़ी क्लाउडी हो रहा है और ठंडा हो रहा है, पहाड़ों की खास बात है कि जो मौसम जो क्लाउडी होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और सियाचिन बेस पॉइंट जो है वो यहाँ से काफ़ी हाइट पे है और वहाँ पर जाता हूँ कुछ मालूम है काफ़ी ठंड होती है। और टाइम स्टैम्प हो गया है 8:45, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और अगले आधे घंटे में हम यहाँ से निकल जाएंगे। लो जी, ओपन एटमोसफेयर में हमारा आ गया है ब्रेकफास्ट, आलू के पराठे, दही, देखो वो अपनी खड़ी है रेड स्पीड, और ये देखो ज़बरदस्त नज़ारे। या ब्रेकफास्ट करो तो ऐसी जगह पे करो, वरना ना करो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेड स्पीड को इन नुब्रा वैली हुंडर। सिंगल सेल्फ स्टार्ट, टाइम इज 9:30 एग्जैक्टली, और चलते हैं हम टूवर्ड्स सियाचिन ग्लेशियर्स बेस पॉइंट। ऊपर हुई है स्नोफॉल रात को, क्योंकि इतना जो वाइट था नहीं कल शाम को, आज ज़्यादा है, दैट मीन्स क्लियर है, स्नोफॉल हुई है। और जहाँ हम जा रहे हैं वो और ज़्यादा हाइट पे है, तो और ठंड होने वाली है। जो मैंने पहना हुआ उसके अलावा खाली विंड शीटर हो रहा है, तो आई होप उस पर काम चल जाएगा। भाई साहब ये बात तो है कि जो बादल है ना, ये हिल व्यू को माउंटेन व्यू को ना अमेजिंग मतलब मल्टीफोल्ड जो है सुंदर बना देते हैं, नो डाउट अमेजिंग लग रहे हैं ये ना व्यूज। कैमरा कोई भी कैमरा होना यार ऐसे व्यूज को जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। ठंड है भाई साहब, 9:30 भी अभी पेट्रोल भराएंगे और ग्लव्स चेंज करने पड़ेंगे। चलो जी पेट्रोल लेते हैं, यहाँ पर है 104 रुपये 59 पैसे। चलो जी टैंकी फुल हो गई है, अब निकलते हैं। इस बार यार बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही है हर जगह ना, रास्ता बंद है, आई थिंक कुछ काम चल रहा है आगे। ओहो धूल मिट्टी, इस बार का लद्दाख ट्रिप धूल मिट्टी के बिना तो पूरा हो ही नहीं सकता भाई साहब। यहाँ से राइट जाएंगे तो हम जाएंगे खारदुंगला, और लेफ्ट में रास्ता कटता है वहाँ से आगे जाकर आपका पेंगोंग का। हम जा रहे हैं टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स सियाचिन ग्लेशियर्स। इस रोड पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, और सामने व्यूज देखो अमेजिंग व्यूज हो रहे हैं जबरदस्त वाले। अभी हम आ चुके हैं 20+7 27 किलोमीटर, और अभी यहाँ दिखा रहा था बोर्ड पे 91 किलोमीटर जो है यहाँ से है सियाचिन बेस कैंप, तो क्लोज टू 120 किलोमीटर जो आप लगा लो कि है सियाचिन बेस कैंप फ्रॉम इफ यू आर कमिंग फ्रॉम हुंडर। और रास्ता स्मूथ ही है, तो आई होप मैक्सिमम अभी यहाँ से 90 किलोमीटर कवर करने में हमें 3 घंटे लगेंगे मैक्सिमम।
और अभी वो है 10:30, तो बिफोर 1:30 हम पहुंच जाएंगे वहां पर। सामने देखो ऊपर कोई बुद्धिस्ट टेम्पल है, आई मीन मॉनेस्ट्री है कुछ है, बट बहुत ही प्यारी लोकेशन है। जो जहाँ पर नॉर्मल प्लेन वाले लोगों के लिए, प्लेन्स पे रहने वाले लोगों के लिए अभी आज की डेट में आना मुश्किल है, वहाँ पर ये तिब्बतन लोगों ने, बुद्धिस्ट लोगों ने, बताओ हज़ारों साल पहले ये जगह ढूंढी हुई थी और यहाँ पर जो है अपने टेम्पल्स और मंदिर, अपने घर बनाए हुए हैं ऐसी लोकेशन पर। कमाल की बात है ना। और ये हम पहुंच गए हैं सुमूर में। सुमूर भी एक बहुत ही प्यारा गांव है नुब्रा वैली में, इफ यू वांट टू स्टे इन नुब्रा वैली। बट अगर आपको तुरतुक जाना है तो ऑफ कोर्स हुंडर जो है वो ज़्यादा नज़दीक है। और अगर आपको जाना है, अच्छा ओह मैं यहाँ ले आया गलती से, जाना वही है। और सुमूर में भी काफ़ी गेस्ट हाउस हैं रहने के लिए और अच्छी लग रही है लोकेशन यार मुझे। बट दिस इज अनदर नाइस प्लेस। देखो सामने सोलर पैनल कितने बड़े लगे हुए हैं। सोलर एनर्जी का तो यहाँ पर पैसा फुल यूज़ करना चाहिए और लोग करते भी हैं। आओ ये देखो मोबाइल टावर लगे हुए हैं प्रॉपरली यहाँ पर। और सामने के व्यूज तो भाई साहब बोल रहे हैं आ जाओ, चले आओ भैया, काहे लेट चल रहे हो, धीरे धीरे तेज आ जाओ। टाउन एरिया अहेड, मूव स्लोली। देखो यहाँ पर जो लेडीज काम कर रही हैं, ये हार्डवर्क कर रही है, इन्होंने भी सनग्लास पहना हुआ है क्योंकि ऑफ कोर्स सूरज देवता यहाँ पर एक्स्ट्रा अपनी जो है रोशनी देते हैं ना लोगों को, तो आंखें खराब होने का डर है, आंखें चुदियाँ जाती हैं। स्ट्रेच और नैरो हो गया है और सामने से ट्रक ट्रक आ रहे हैं भाई साहब। अगर रुक जाते हैं भैया यहाँ पर, आर्मी वाले ट्रक भाई साहब बहुत, मतलब ठीक है यार प्रायरिटी इनके लिए है, इन रोड्स पे हमारी प्रायरिटी नहीं है। और जो लोकल व्हीकल है उनकी प्रायरिटी है, और जो सप्लाईज लेके आ रहे हैं उनकी प्रायरिटीज है। बट मेरी सजेशन है अगर आप लद्दाख में आ रहे हो ना, तो ट्रक वालों से ना एक्स्ट्रा दूरी बना के रखो, और आर्मी के ट्रक वालों से डबल एक्स्ट्रा ट्रिपल एक्स्ट्रा दूरी बना के रखो। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ आर्मी की, बट ठीक है मतलब वो जल्दी भी होते हैं और यू नो, तो दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी। बहुत ही अमेजिंग रिमोट और एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल प्लेस है ये मैन। थर्ड टाइम आ रहा हूँ लद्दाख में, स्टिल लद्दाख की ब्यूटी कीप्स ऑन अमेजिंग मी यार। मज़ा आ जाता है देख के यार, एकदम ना दिल बाग बाग हो जाता है, और ये मिट्टी आती है ना तो दिल धक धक हो जाता है मेरा। भाई साहब इस बाइक में कभी नहीं बोलूँगा, इस बाइक का कैरेक्टर है, अगर इसमें आपको लद्दाख वद्दाख करना है ना तो थोड़ी दिक्कत तब होगी जब अगर आप जैसे जानसकार कर रहे हो जहाँ मिट्टी विट्टी जा रहा है ना, वहाँ पर इस टायर की ना रोड टायर की बिल्कुल भी ग्रिप नहीं बनती, बिल्कुल भी, मतलब रोज रोज हो गया आप ऐसा हो जाएगा। तो आप टायर चेंज कर सकते हो अगर आपको स्पीड ही लेनी है, और अगर स्क्रैम्बलर ले रहे हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट टचवुड यार अभी तक बहुत बार ऐसा हुआ कि बाइक मेरी स्लिप होकर गिरने वाली थी, समहाउ आई मैनेज्ड। उसका रीज़न ये है कि आई एम 5'10" और इसकी जो सीट हाइट है वो 790 है, तो मेरे जो दोनों फुट हैं वो फ्लैट हो जाते हैं ज़मीन पे, तो मैं प्रॉपरली एकदम कंट्रोल कर लेता हूँ, इन केस ऑफ बहुत ज़्यादा स्किड कर रही है तो मैनेजेबल है। पैनामिक एक और बढ़िया गांव है जहाँ पर गेस्ट हाउस है, यहाँ से ऑलमोस्ट आई थिंक है 12 किलोमीटर है, देखते हैं कैसा है वो। जस्ट सी हम कहाँ राइड कर रहे हैं, साथ में नुब्रा रिवर है और नैरो रोड पे चल रहे हैं हम, राइट में पहाड़ हैं रंग बिरंगे, हरे नीले पीले काले। और सामने देखो स्नो कैप्ड माउंटेन्स, अमेजिंग व्यू, अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। और ठंड भाई साहब, विंटर ग्लव्स पहने मैंने दिन के 11 बजे, तो आप लगा लो ठंड कितनी हो गई है। आज है 25th of September और यहाँ ठंड एक्चुअली में बढ़ना स्टार्ट हो गई है। भाई साहब ठंड हो चुकी है भयंकर वाली, और ये देखो हरा हरा हो गया हूँ मैं, विजिटर पहन लिया है।
अभी सुपर ठंड लगी ना तो कोई अरेंजमेंट नहीं मेरे पास। अब थोड़ा बेटर लग रहा है। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं पैनेमिक को, और यार पैनेमिक भी बहुत ही बढ़िया जगह लग रही है मुझे स्टे करने के लिए। और ये काफ़ी ठंडी है कंपेयर टू हुंडर, कंपेयर टू सुमूर, काफ़ी ठंडी जगह है। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ स्टे कर सकते हैं। अच्छे हैं यार गोबा होम स्टे, यहाँ लग रहे हैं प्रॉपर ना, जैसे था ना सुमूर में कि गांव है और होम स्टे बने हुए हैं। पैनेमिक अच्छी जगह लग रही है नो डाउट। डोंट हैव टू गो फास्ट, यू जस्ट हैव टू गो। भाई साहब ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, अनबियरेबल ठंड होती जा रही है। अब मेरे ग्लव्स भी काम नहीं कर रहे हैं। और अभी भी यहाँ से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर है, 50 प्लस है इनफैक्ट। मैन जो सी द व्यू, आई डोंट नो ये क्या है, कौन सा पहाड़ है सामने, बट अमेजिंग व्यू आ रहे हैं। और हम जो है ना स्नो के काफ़ी पास आ गए हैं। लेफ्ट में देखो ये थोड़ी सी हाइट पे यहाँ स्नो है, यहाँ देखो राइट में थोड़ी सी हाइट पे यहाँ भी स्नो है। और सामने का तो नज़ारा भाई साहब अलग ही लेवल का है, अलग ही लेवल का है। भाई साहब ये है चेक पोस्ट आर्मी का, जहाँ आपका परमिट चेक होता है। और सियाचिन यहाँ से अभी है 43-44 किलोमीटर, और इन्होंने साफ बोल दिया कि आगे हो रही है स्नोफॉल। तो भाई साहब स्नोफॉल मिलने वाली है बेस कैंप में। और अभी ना ठंड में दिक्कत ये है, एक मेरी गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो चुकी है, दो बैटरी हैं जिससे काम चल रहा है। वो ठंड में ज़्यादा ड्रेन होती है, एक चार्जिंग में लगी हुई है, एक चला रहा हूँ मैं। अब आ गया हूँ एक्चुअल में कोल्ड डेजर्ट में, ये देखो पूरी वाइट, एकदम वाइट शाइनी सा वाली जो है सैंड है यहाँ पर। और ये छोटी सी वाटरफॉल है, वाटर क्रॉसिंग है नॉट वाटरफॉल। अभी मैं सियाचिन बेस कैंप से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर दूर हूँ, और यार ऐसे व्यूज़ मैंने नहीं देखे लद्दाख में। मैं थर्ड टाइम आ रहा हूँ लद्दाख में, ट्रस्ट भी मैंने नहीं देखे ऐसे व्यूज़, अमेजिंग व्यूज़ हैं। अब ये आज क्लाउडी है या फिर ये वहाँ यहाँ के व्यूज़ ऐसे ही रहते हैं मुझे आइडिया नहीं है, बट आई एम थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आउट ऑफ द वर्ल्ड व्यू है यहाँ के ना, मतलब बहुत डिफरेंट है यार, बहुत डिफरेंट है। पीछे देखो अमेजिंग। मैं एक्चुअली फ्रंट के यहाँ के व्यू दिख रहा था, और मैंने जैसे बाइक रोकी मैंने रियलाइज़ किया कि पीछे के व्यूज़ और ये ऊपर हिल्स के ऊपर व्यूज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पक्का आना यार, अगर आ रहे हो ना लेह में तो सियाचिन बेस कैंप की जो राइड है ना आपकी फ्रॉम नुब्रा वैली, पक्का आना, अमेजिंग प्लेस। और मेन बात यह कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में या सिर्फ आर्मी रहती है, इंडियन आर्मी रहती है हमारे वाली। लो जी आ गई है वाटर क्रॉसिंग, काफ़ी कम पानी है, आराम से चिल आउट बोर्ड में हम पार करेंगे इसको। थोड़ा वो रास्ता ख़राब हो गया है, आई डोंट नो ये स्ट्रेच खराब है या आगे भी ख़राब है, बट भाई साहब बहुत ही औसम जगह है यार ये, ज़बरदस्त।
ये मिट्टी में ना भाई साहब बहुत डर लगता है, एक पैसे का बैलेंस भी बनता है, एक पैसे का। जस्ट इमेजिन, हमने पदूम से ले का रास्ता किया था, उसमें ऐसा रास्ता था मिट्टी वाला एकदम गंदा, 110 किलोमीटर, मतलब समझ जाओ लग गई थी हमारी, मतलब तगड़ी वाली सर। व्लॉग देखा नहीं उसका तो देख लेना, लिंक आ रहा होगा ऊपर आई बटन में। एक ब्लॉग में मैं पुराने पुराने ब्लॉग की मार्केटिंग कर रहा हूँ, प्रमोशन कर रहा हूँ। यार ये जगह जो है ना मैन, जितनी रॉ है ना उतनी ही खूबसूरत है, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। मतलब शायद सबसे ज़्यादा सीनिक रूट पे हम आज राइड कर रहे हैं अपने लद्दाख ट्रिप में। हमें ऑलमोस्ट आई थिंक 13 डेज हो गए हैं, मे बी 13-14 डेज हो गए हैं, ध्यान नहीं है मुझे। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा सीनिक, मतलब ये पूरा रूट सीनिक है और कोई नहीं है रॉ। जो चेक पोस्ट था, चेक पोस्ट के बाद आई थिंक एक और गांव आया था, उसके बाद कुछ नहीं है, जस्ट रोड है। हम दो बाइकर्स, इस बाइक की थंप और बाइक की थंप और नेचर, पहाड़, बर्फ और मनो भर भर के बाहर निकलते इमोशंस इस ट्रिप पे ना। आई एम ट्राइंग कि जो मैं फील करता हूँ ना वो एग्जैक्टली आप फील करो, तो उसके अकॉर्डिंग में ऐसा कुछ कवर कर रहा हूँ, मैक्सिमाइज कर रहा हूँ कवरेज मोबाइल से, गोप्रो से, ड्रोन से, इतना ऊपर है आई थिंक। एंड आई होप आप ये ट्रिप जो है इंजॉय कर रहे होंगे। यार अगर इंजॉय कर रहे हो ना यार, एक कमेंट और लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। बाकी हम पहुँचने वाले हैं जल्दी बेस कैंप, और अपनी बाइक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है, टच वुड, मतलब कोई इशू नहीं आया। एक्सट्रीम कोल्ड है यहाँ पर, एक्सट्रीम कोल्ड, मेरे हाथ अभी सुन है अंदर। चलो जी, अब ये लास्ट का और आई थिंक 12 किलोमीटर का स्ट्रेच ना ऐसे ही है खराब सा, और बीच में खराब है, बीच में ठीक है। ओ ओ भाई साहब जबरदस्त, ऑसम। ऐसा लग रहा है कि ना मैं अपने, मतलब ये जो पिक्चर्स है ना ये मेरे एकदम सामने ही रहे, जाए ना जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तब भी, मतलब मेरे क्लोज टू हार्ट हो गई है ये जगह पिक्चर्स। टाइम इज ऑलमोस्ट 1:30, आई थिंक हम अगले 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे, मज़ा आ जाएगा यहाँ से वापस राइड करते हुए भी। मैन व्हाट अ डे यार। Base 4, so we are just about to reach Siachen base camp. Man, news में देखा था, कितना कुछ सुना है इसके बारे में, Siachen glaciers के बारे में, कि इंडियन आर्मी कितनी टफ कंडीशन में यहाँ काम करती है, हमारी बॉर्डर की रक्षा करती है। और आज हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू यार, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। मे बी मैं थोड़ा सा आज इमोशनल साउंड कर रहा हूँ, बट आई एम इमोशनल एंड आई एम हैप्पी, आई एम अमेज्ड। जहाँ ब्रेक मारो वहां पर अलग कहानी है भैया, ये देखो थोड़ी फॉग जम रही है मेरे वाइजर्स पे ना जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। हल्की हल्की सी ऐसा लग रहा है मुझे स्नोफॉल हो रही है, हल्की हल्की सी, थोड़ी बहुत बूंदे गिर रही है मेरे वाइजर पे। This is unreal, unreal है ये। वो बारिश हो रही है? सुबह तो बर्फ गिर रहा है। अच्छा? यार हम तो लेट हो गए, फिर मॉर्निंग आते तो बर्फ मिलती है ना? यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ नहीं मिलती?
नहीं सुबह बर्फ गिरा था यहाँ पर या ऊपर? नहीं यहाँ पे तो ऊपर से बर्फ आता है, नीचे जाके तो बारिश बन जाते है ना। अच्छा अच्छा हाँ, ये रास्ता है जो सिविलियंस है उनके लिए, वही रास्ता था आर्मी का। एंट्री कर दी हमने अपने व्हीकल की, परमिट या चेक नहीं होता, परमिट वही आर्मी पोस्ट पे चेक हुआ था। ये लास्ट पॉइंट है और यहाँ हमने अपनी बाइक्स पार्क कर दी हैं। पीछे ढाबा है, इकलौता ढाबा, खाना खाने के लिए मैगी ऑमलेट फ्राइड राइस, दैट्स ऑल। व्यूज देखो, और अभी मैं दिखाता हूँ आपको सियाचिन बेस पॉइंट का एक्चुअल व्यू। जसी यार क्या क्रेजी वेदर हो रहा है यार, क्रेजी वेदर, ऑसम, मज़ेदार। अभी चलते हैं वहाँ पर, देखो वहाँ से आ रहे हैं हम, वो नीचे तबा। और ये जो रोड है ना, इसमें खाली आर्मी के व्हीकल्स अलाउड है, और आर्मी के जो सप्लाईज के जो भी ऑथराइज करते होंगे आर्मी वाले, वो अलाउड है। तो फाइनली वी आर एट सियाचिन बेस कैंप, फीलिंग ग्रेट, ऑसम। ये रे प्रवीण जी, ऑसम एक्सपीरियंस यार, अगर आ रहे हो लद्दाख तो यहाँ ना मिस बिल्कुल मत करना, कोई कुछ भी गए पक्का आना, ऑसम प्लेस यार। बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे प्रवीण जी को, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। और अमेजिंग प्लेस यार, एक तो इतना सीनिक जगह ये, प्लस मतलब वी आर हेयर टू सल्यूट इंडियन आर्मी। हम जहाँ तक आके थक गए हैं, इंडियन आर्मी से आगे जाके -30 -40 पे हमारी बॉर्डर की हमारी रक्षा करती है, वो भी वही इंसान है जो हम हैं। जस्ट इमेजिन कहाँ से आती है इतनी हिम्मत यार, जस्ट ये चीज़ जो है इंडियन आर्मी में है। बट दिस प्लेस इज मैजिकल एंड विल मेक यू इमोशनल फॉर श्योर। वो देखो लग नहीं रहा कि असली वाले हैं ना, पीछे एक पहाड़ ऐसा लग रहा कि किसी ने बना दिया है। यहाँ पर जो है ग्लेशियर्स हैं सियाचिन, और आई थिंक अगर क्लाउडी ना होता तो मे बी थोड़ा क्लियर होता व्यू। सो फाइनली आई मेट सियाचिन वॉर मेमोरियल, और यहाँ क्लियरली मेंशन है इन इटरनल मेमोरी ऑफ अमर जवान फॉर देयर सुप्रीम सेक्रीफाइस वाइल गार्डिंग द फ्रोजन फ्रंटियर। -30 -40 में इस देश की रक्षा करते हुए, हम लोगों की रक्षा करते हुए इन जवानों ने अपनी जान दी। यहाँ वॉल पे ना पीछे लिस्ट है पूरी, 1000 जवानों की लिस्ट है जिन्होंने यहाँ पर सियाचिन में इस फ्रंटियर में जो है जान दी। पता है यार नॉर्मल लाइफ में ना हम ये चीज़ सोचते भी नहीं है, बहुत ठंडा है बोलने में दिक्कत हो रही है, नॉर्मल लाइफ में हम ये चीज़ सोचते भी नहीं है कि कुछ लोग इंडियन आर्मी हमारी इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में हमारे देश की सीमाओं की हमारी जो है रक्षा कर रही है। मतलब यार बिग सैल्यूट टू देम। और ना ये प्लेस जो है अभी तक मेरे लद्दाख ट्रिप का ऐसी जगह है कि जो कि मतलब दिस प्लेस मेड मी इमोशनल, सो मच इमोशनल। यहाँ की वाइब्स अलग है, यहाँ के ना आपको वो चीज़ फील होती है, अभी मालूम है कि जवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, बट यहाँ के ना वो चीज़ बहुत क्लोजली फील करते हो। देखो ये आ गया हमारा लंच या ब्रंच कुछ भी बोल लो, ब्रेड ऑमलेट चाय ओनली कैफे इन सियाचिन बेस कैंप। और यहाँ से बाहर निकलते ही ये देखो, ये वेट कर रहा कब से मेरा मैन, जबरदस्त खड़ी हुई बाइक्स। चलो जी टाइम हो गया है 3:25। ओ हवा थोड़ी ना अब चल रही है, पहले बार रुकी हुई थी, कोई चक्कर नहीं है। अपनी बाइक रेडी है, चमकती हुई नहीं, इतनी ज़्यादा चमक नहीं रही है, मिट्टी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अरे भैया ये इतनी हवा क्यों चल रही है यार, वापस ना ऊपर पहाड़ियों पे 3-4 जंगली वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जंगली बकरे, वो घूम रहे थे और वो पत्थर फेंकते हैं नीचे, जो पुलिस वाला पोस्ट है ना उन्होंने बताया हमें, तो उन्होंने बताया कि मैं देख रहा था कि वो फेंके ना, बताओ ऊपर घूम रहे थे या पहाड़ी के ऊपर, जंगली बकरे 5 और इतने बताओ हरामखोर हैं कि कोई आता है तो पत्थर फेंकते हैं, मतलब मुझे नहीं पता ये चीज़, लोग बता रहे थे भाई। वो ठंड हो गई है, ठंड तो है ही, मतलब हवा चल रही है, कितना एडवेंचर करेंगे भैया एक दिन में। फाइनल सैल्यूट टू सियाचिन बेस कैंप, रॉक एंड रोल। चलिए शुरू करते हैं जर्नी रिटर्न बैक टू हमारा बेस कैंप जो कि है हुंडर। आज के लिए 3:30 यार, आज हमने बिल्कुल ना मतलब
काइंड ऑफ प्लान में काम किया है, हमने कहा था 300 होते निकल जाएंगे वापस हम, और हम निकल चुके हैं वापस। मौसम ठीक रहे बस पहुंच जाएंगे हम 6:30 तक। अब मैं आपको वापसी का सारा रास्ता नहीं दिखाऊंगा, जो थोड़ा बहुत मिस कर दिया था वो दिखाऊंगा, अगर मैंने कोई मिस किया था तो। चलो जी, थैंक्स, विजिट अगेन, श्योरली विल कम यार। ये कोई कहने की बात है? कमाल कर दो यार, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, हम तो आएंगे आएंगे दोबारा यार। भाई साहब चट्टाने देखो कैसी खतरनाक है, इसके ऊपर घूम रहे थे वो बीच में, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया उस टाइम, बड़ी मुश्किल से ट्रैक हुए उसने दिखाया भैया ने कि वो रे तो बहुत टाइम लगा ट्रैक करने में ना, बकरे भी ब्राउन, पहाड़ भी ब्राउन। पहले मैं आपको जाते हुए यहाँ के व्यू दिखाया था, मैं ये दिखाऊंगा व्यू आपको, छोटा पैकेट पड़ा था वहाँ का। बहुत लोग ना देख के बोलते हैं छोटी सी बाइक है यार लेकिन अच्छी लग रही है, छोटी सी है लेकिन, मैं उनको यही बोलता हूँ भाई साहब छोटा पैकेट बड़ा धमाका नाम है इसका। चला के देखो। क्योंकि ना आपको एक्चुअल में फील होता है कि चला के बाइक की, हाँ बाइक है क्या ये भाई बवाल है क्या ये चला के ही मालूम चलता है इस बाइक को। आ गया डेजर्ट, आज पूरा क्लाउडी रहा ना तो ठंड थोड़ी ज़्यादा रही है, बट आई एम हैप्पी यार, मज़ा आ गया राइड में। एक तो क्लाउडी में ना पिक्चर्स वीडियोस बहुत अच्छे आते हैं। ये देखो यहाँ पर धूप हो रही है, ये वहाँ पूरा क्लाउडी हो रहा है, मतलब गजब मौसम है भैया, गजब टोपी वाला मौसम है। तो इस स्ट्रेच पे अगर आ रहे हो तो दो बातों का ध्यान रखना, एक खुशी की बात, एक दुख की बात। अंधेरे में यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाली, मुझे लगता नहीं है कि आर्मी की गाड़ियाँ चलती होंगी, क्योंकि लास्ट ऑलमोस्ट आई थिंक 30 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसमें कुछ नहीं है, 30 में भी 20 किलोमीटर स्ट्रेच है, वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, चेक पोस्ट है आर्मी का आगे, बीच में फंस जाएंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू, सेकेंडली खुशी की बात ये है कि यहाँ पर एयरटेल जियो दोनों चलते हैं पोस्ट पेड, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉल कर सकते हो। मतलब मैंने बीच में हर जगह तो रोका नहीं है, हर जगह चेक नहीं किया, बट मोस्टली जगह पे कवरेज थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट कि ऑफकोर्स सियाचिन बेस कैंप में तो कवरेज है ही। कई बार मैं सोचता हूँ यार कि मतलब कितने आर्टिफिशियल यू नो बिल्डिंग्स और स्टैचूज क्या क्या बन गया है, मतलब बना दिया इंसान ने, बुर्ज खलीफा है ना, टॉलेस्ट बिल्डिंग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मतलब मैन मेड कितनी चीज़ें, कुछ भी बना लो आप, नेचर जो आपको व्यूज दे सकता है ना नेचुरल तरीके से, वो आप कुछ भी कर लो आपको नहीं मिल सकती मैन मेड तरीके से यार। दिस इज़ रियल ब्यूटी ऑफ नेचर, इसके आगे मैन मेड कुछ भी नहीं है। व्यूज बड़े मस्त आ रहे हैं यार, लेफ्ट में देखो रेत जा रही है ऊपर की तरफ पहाड़, और राइट में देखो इस सब जो है रेत ही रेत है, कहाँ तक रेत है पता नहीं चल रहा, नदी कहाँ गई गायब हो गई, पीछे चले गई पहाड़ के मालूम नहीं चला। और अभी भी यहाँ से ऑलमोस्ट हमारा है डिस्टेंस इज समवेयर अराउंड 40-45 किलोमीटर। ऑरेंज लाइट ऊपर की नीचे पानी में पड़ रही है, इफ यू कैन सी ऑरेंज लग रहा है पानी। ओ मैन दिस इज समथिंग ग्रेट। चलो जी आ गया हमारा लेट्सेस इको लॉज हुंडर, नंबर नोट कर लो इन केस यू वांट टू स्टे हियर, 600-550-503473।